इंडिया, ऑफकोर्स इंडिया, नंबर वन इंडिया, इंडिया टीम, इंडिया काफी चाहिए, पूरी इंडियन टीम शाइन करेगी, शुभमन गिल, मैक्सवेल इस बार मुझे ऑस्ट्रेलिया का, ओवरऑल विराट कोहली, रोहित शर्मा जो कैप्टन है, खुशी, लेकिन अब दिल मांगे मोर तो सिर्फ पाकिस्तान को हरा के काम नहीं चलेगा, इंडिया पाकिस्तान को वन साइडेड हराए, हालांकि जीत तो इंडिया की होनी है, अब इंडिया जीत जाएगा तो कैसे फिर पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ही, तुम ठुलके खेलो भैया, मैं बस चाहती हूँ कि बुरी तरह से हारे सारा का सारा मैच और उसके बाद अपने घर वापस जाए, पूरे स्टेडियम का जो शोर होता है वो एक्चुअली वो एक टॉनिक का काम करता है, तो वो जो 1.5 लाख के बीच इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा ना, वो उस दिन वाकई देखने लायक चीज होगी, आप चीयर कर रहे हैं तो उससे तो माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना, तब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मजा तभी आता है वरना फिर बेकार हो जाता है। चलिए तो वर्ल्ड कप का तो जश्न शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले अभी भी सबके मन में बहुत से सवाल हैं कि टॉप 4 टीमें कौन होंगी वर्ल्ड कप की, या कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो की फाइनल खेलेंगी, लेकिन उससे पहले हम आज चलते हैं उन लोगों के पास जिनकी आवाज आप सुनते हैं अक्सर पॉलिटिक्स, क्राइम या फिर डिफेंस पर, तो आज उनसे उनके पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, आइए चलते हैं। तो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इंडिया में कौन सा फेवरेट प्लेयर है और एक ओवरऑल फेवरेट प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, ओवरऑल फेवरेट प्लेयर भी इंडिया का ही होगा। अच्छा जी, उसमें कोई दो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फ्रैंकली अगर खुशी में वैसे देखूं तो मुझे लगता है कि इस समय कोई एक खिलाड़ी को मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि हम अगर 2011 वाला भी वर्ल्ड कप देखते हैं तो उसमें भले ही अलग अलग मैचेज में कोई ना कोई ब्रिलियंट रहा, ऑफकोर्स युवराज सिंह रहे ओवरऑल, तो मुझे इस बार लग रहा है पूरी इंडियन टीम शाइन करेगी एज अ टीम, और टीम ही फेवरेट है मेरी, मतलब आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट कि मैं कोई एक नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे ये फीलिंग है। चलिए तो आप सब लोग बहुत डिमांड करते हैं शम्स सर की, हमें इतने सारे सर कमेंट्स आते हैं कि कभी उनको भी एक एपिसोड में लाइए प्लीज, तो हम आपके लिए आ गए हैं सर के पास, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से आपका एक फेवरेट प्लेयर और एक ओवरऑल फेवरेट प्लेयर। इंडिया की तरफ से इस बार शुभमन गिल जी, और बाकी मुझे लगता है एक बार मैक्सवेल इस बार मुझे ऑस्ट्रेलिया का, पता नहीं क्यों अभी कल झलक हल्की सी दिखाई दी है, तो मैक्सवेल इस बार मेरे फेवरेट होंगे बाकी किसी भी टीम की तरफ से, और इंडिया की तरफ से इस बार शुभमन गिल इंडिया की तरफ से विराट कोहली, ओवरऑल विराट कोहली। मेरा फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा जो कैप्टन है, और उम्मीद यही कि जैसा कि 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जिताया था, उसके 28 साल के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में, तो इस बार रोहित शर्मा न सिर्फ शानदार खुद का प्रदर्शन करेंगे बल्कि टीम इंडिया को जिताकर वर्ल्ड कप भी इस देश को दिलवाएंगे। मैम टॉप 4 क्या लगता है आपको वर्ल्ड कप की? इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और भले ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑस्ट्रेलिया को रूल आउट कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक रीजंस, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड आई वांट पाकिस्तान, बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि इससे पहले वाले जो वर्ल्ड कप्स में जब इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में हुआ था तो बहुत हीटेड मुकाबला था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोहाली में हुआ था शायद ये मैच, तो ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान रहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हालांकि जीत तो इंडिया की होनी है, एंड इंग्लैंड सिंपल, इसमें क्या सोचना है, नंबर वन इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पाकिस्तान। तो मैम फाइनल किन दो टीम्स के बीच में आप देख रहे हैं? आई थिंक इंडिया इंग्लैंड फाइनल होगा। मैं चाहती हूँ कि सेमीफाइनल में धूल चटाकर बुरी तरह से पाकिस्तान को उसके घर भेजे टीम इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुकाबला हो। दिल तो मेरा ये कहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल हो, क्योंकि मजा तभी आता है वरना फिर बेकार हो जाता है जी। और अगर पाकिस्तान नहीं हो तो फिर इंडिया और मैं इंग्लैंड चाहूंगा, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना वैसी कोई दुनिया में और कोई खेल नहीं रही है, तो मैं फिर सेकेंड जो ऑप्शन है इंडिया और इंग्लैंड। मैं चाहती हूँ कि सेमीफाइनल तो पाकिस्तान इंडिया हो जाए, अब इंडिया जीत जाएगा तो कैसे फिर पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, ये तो है। हमें लगता है आप साउथ अफ्रीका और इंडिया ले लीजिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, आइदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आइदर इंडिया पाकिस्तान। तो मैम क्योंकि इंडिया में इस बार वर्ल्ड कप होने वाला है तो ये ऑफ कोर्स होम एडवांटेज तो हमारे लिए लाता है, लेकिन क्या ये फैंस का एक्स्ट्रा प्रेशर भी लाता है हमारे प्लेयर्स के लिए? अब नहीं मुझे लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंडिया में खेल खेल के, इनफैक्ट आईपीएल में अपने होम ग्राउंड का प्रेशर देख देख के मुझे लगता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग करता है इनको। एक टाइम था ज़रूर जब बहुत ईजी अप्रोच था प्लेयर्स की तरफ जाने का, उस समय जो भी रहता था वो सब इनसे बात कर रहे होते थे और बता रहे होते थे कि आप कैसे क्रिकेट मैच जीतेंगे, सचिन तेंदुलकर को भी लोग बताते थे
कि बैटिंग कैसे करो कि अपना 100 और उस रिकॉर्ड को और 100 अपना बना सकते हो, पर आज की तारीख में वो है ही नहीं. तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में रहते हैं और वो जो पूरे स्टेडियम का जो शोर होता है वो एक्चुअली वो एक टॉनिक का काम करता है. बट ऑब्वियस क्योंकि हमने ये मोहाली वाले मैच में और बहुत सारे मैचेस में देखा, जब जब टीम इंडिया स्पेशली होम ग्राउंड्स में खेल रही थी, आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, आप इसको आईपीएल में देखिए, जब कोई भी प्लेयर अपने होम ग्राउंड में खेल रहा होता है तो उस पर कितना प्रेशर होता है उस ऑडियंस का. ये तो पूरा इंडिया है, कहीं भी किसी भी कोने में ये लोग खेलेंगे किसी भी स्टेडियम में, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया इंडिया ही होगा और वो प्रेशर रहेगा. और ये बहुत सारे प्लेयर्स के चेहरों पर हमने बहुत बार देखा भी है. नहीं नहीं होम एडवांटेज, और जब आप सोचो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और आप चीयर कर रहे हैं एक 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 बॉल पर, एक एक रन पर, एक एक प्लेयर के लिए हजारों लोग चीयर कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, वो उन लोगों को की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, मुझे ऐसा लगता है. 2011 से पहले एक वो थी कि कोई भी जिस जगह पे जो होम जहाँ पे भी क्रिकेट होता है तो वो जीतते नहीं है, है ना. लेकिन 11 में धोनी ने जीत कर ये वाली चीज़ गलत साबित कर दी कि जहाँ पे ये मैच हो उस वो वाली टीम जीतती नहीं है. तो 11 के बाद अब वो वाली तो रही नहीं, इवन इंग्लैंड ने भी फिर इसको प्रूव किया. तो अब इस बार मुझे लगता है वो वाला प्रेशर है नहीं, और टीम अब इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलती है आईपीएल की वजह से कि अब ये होम और या अवे कहीं पे भी आप खेल रहे हो इतना वो प्रेशर नहीं होता. जिस दिन जिसका अच्छा दिन होगा वही दिन वो अच्छा खेलेगी. और मुझे लगता है कि अब पहले होता था कि बड़ा तनाव और दबाव होता है कि इतने सारे लोगों के बीच खेल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो आदत सी हो गई है. तो मुझे लगता है वो वाला फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, बस ये कि बेस्ट क्रिकेट खेलना है. और ये गोल्डन चांस 11 के बाद, जब इंडिया को अच्छों के सारे फॉर्म में भी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 11 के बाद 23 शायद हम फिर वर्ल्ड कप जीतें. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों से मैं इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन ये एडवांटेज इंडिया के फेवर में होता है. प्रेशर तो देखिए वर्ल्ड क्रिकेट टीम इंडिया कहीं भी खेलती है तो जो हमारे फैन फॉलोइंग होती है उनमें हम सब भी हैं, तो वो अगर यूनिवर्स पर भी करा देते हैं तो हम वहाँ होते हैं, तो वो प्रेशर अलग है. लेकिन ये एडवांटेज है, इसको एडवांटेज के तौर पर लेना चाहिए. हाँ, वो जो क्राउड है वो प्रेशर किसके लिए होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेटमेंट्स भी उधर से आने लगे हैं. पाकिस्तान बहुत प्रेशर में हो, क्योंकि एक तो वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, 7 साल के बाद यहाँ पर आए हैं लैंडिंग में, तो कोई भी मैच अगर हुआ तो इंडिया के फेवर में ही होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो भी हमारे टीम प्लेयर्स हैं उनको पता है इंडिया वाले जब चीयर कर रहे हैं तो वो उनके लिए कर रहे हैं, वो प्रेशर के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खुल के खेलो भैया, बस दैट्स ऑल. ये है मंत्र, कोई कोई प्रेशर नहीं रहने वाला है. देखिए होम एडवांटेज तो है ही, प्लस ये दबाव नहीं होता है लोगों का प्यार है जो आपके अंदर एनर्जी भरता है. जब इतने सारे लोग इंडिया इंडिया बोलेंगे, हमारे खिलाड़ियों का नाम लेंगे, तो उससे तो माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना. वो तो मतलब आपके भीतर बिल्कुल एक ऐसा जोश भर देगा कि अच्छा रुको मैं जाता हूँ बैटिंग करने, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं बैटिंग करता हूँ या फिर बॉलिंग करता हूँ. तो सब कुछ पूरी तरह से टीम इंडिया के पक्ष में है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो इंडिया के हमारे फैंस हैं क्रिकेट के, वो टीम का जोश बढ़ाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से हमारी टीम इंडिया खेलती हुई भी नजर आएगी. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप.